हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आपको अपडेट देंगे इस फ्लाईओवर की जो कि बन रहा है यूईआर 2 में पैकेज 2 के अंदर, जो कि शुरू होता है जो लोकनायक बड़ा मुंडका के पास जो टोल प्लाजा बनेगा, ये यहाँ ये लोकेशन है टोल प्लाजा की। सामने जो फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं वो लोकनायकपुरम के हैं, और यहाँ से NH 44 की साइड जाते हुए सामने जो स्टेशन दिखाई दे रहा है ये है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो स्टेशन। इसके दाएं बाएं साइड से, दोनों साइड से होते हुए ये इसके कैरिज वे जाएंगे, उसके बाद दिल्ली रोहतक वाली जो रेलवे लाइन है उसे क्रॉस करता हुआ ये फ्लाईओवर रसूलपुर गांव के पास जाकर डाउन आएगा। और यही एक ये फ्लाईओवर एक मंगेशपुर ड्रेन के ऊपर से बन रहा है जो फ्लाईओवर। ये दो पॉइंट है जो कि मेन कंसर्न रखते हैं कि UER2 की शुरुआत कब हो पाएगी। इसका व्यू मैं दिखा दूँ आपको ड्रोन से, देखिए। यहाँ से ये फ्लाईओवर स्टार्ट होता है और इसका जो रैंप वाला पार्ट है ये ब्लैक टॉप किया हुआ है, ये कई महीने से ही ऐसा है। उसके बाद में जो फ्लाईओवर जहाँ से शुरू होता है गर्डर्स वाला पार्ट जो है वहाँ काम अभी शुरू हुआ, मतलब पहले यही हिस्सा जो था इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये अब फ्लोरिंग भी हो चुकी है, गर्डर्स भी लगाए जा चुके हैं। ये यहाँ के काम की प्रोग्रेस एक्चुअल में, यहाँ जो था सिर्फ पिलर्स खड़े थे, इवन एक पिलर भी यहाँ नहीं था, वो दो पिलर्स में ये बनाए गए बाद में। और अब तो देखिए, अब तो यहाँ जो फ्लोरिंग वाला काम है वो कम्प्लीट ही दिखाई दे रहा है। सिर्फ इस छोटे से हिस्से में यहाँ फ्लोरिंग अभी नहीं हुई है, यहाँ भी स्लैब्स लगा के इसको जोड़ दिया जाएगा। और थोड़ा सा आगे जो दिखाई दे रहा है जहाँ गर्डर्स लगाने का काम अभी चल रहा है, लॉन्च किए जा रहे हैं, गर्डर्स लॉन्चिंग क्रेन भी यहाँ खड़ी हुई है राइट हैंड साइड में। और यहाँ से जब हम आगे निकलते हैं तो ये इसके स्टेशन से लेफ्ट और राइट से निकलेंगे दोनों कैरिज वे। जो लेफ्ट वाला कैरिज वे है यहाँ मिक्सिंग प्लांट था पहले कंपनी का, अब वो मिक्सिंग प्लांट वाले हिस्से में भी जब इसके पिलर्स हैं बना दिए गए, दिखाई देंगे आपको पिलर्स इसमें, देखिए अभी इनिशियल शेप में है, पिलर कैप इसमें नहीं बना है अभी, यहाँ इसको जल्दी ही कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड पर भी बनाए गए हैं। और ये स्टेशन की जो राइट हैंड साइड है यहाँ भी देखिए पिलर कैप बनाने का काम शुरू हो गया है, यहाँ तीन पिलर बनाए गए हैं नए, एक ये है को सामने देख सकते हैं, वहाँ भी पिलर कैप का काम, यहाँ भी और वहाँ भी, ये भी पिलर कैप बनाने का काम अब शुरू होने वाला है, मतलब ये बेस बनाने लगे हैं, इसके ऊपर ये इसको स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे। देखिए जैसे क्या है, अब आपको स्टेशन से दूसरे वाली साइड का व्यू दिखाते हैं, काफी हाइट पे ले लिया मैंने इसको स्टेशन के ऊपर से। यहाँ देखिए जो दोनों कैरिज वे हैं वो आगे जाके एक साथ मिल जाएंगे यहाँ रेलवे लाइन से पहले, और यहाँ जो है आगे जो रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए बनाए जा रहे हैं यहाँ चार फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, चार ब्रिज रेलवे लाइन के ऊपर की साइड बनाए जा रहे हैं, दो सर्विस रोड के लिए भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट में जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है वो सर्विस रोड यहाँ से जो शुरू होगा, जो लोग मुंडका से जाना चाहेंगे उनके लिए। थोड़ा सा समझाता हूँ, अब मैं वापस स्टेशन की साइड ही जा रहा हूँ। अब ये देखिए लेफ्ट वाला देखिए, जो लोग आएंगे मान लो NH 44 से, रोहिणी से, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से, और जिसे इस एरिया में कहीं जाना है तो जो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में दिखाई दे रहा है वो रैंप से नीचे उतर जाएंगे। ये यहाँ का रैंप रेडी हो चुका है, ये देखिए यहाँ से नीचे आके वो सर्विस रोड के अंदर मिल जाएंगे, और रोहतक रोड पर जाके वो दाएं बाएं कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं। और सेम इसी तरीके से यहाँ से जो दूसरे वाली साइड है वहां से एंट्री के लिए बना हुआ है एक सर्विस रोड।
अब हम यहाँ से चलते हैं NH44 की साइड, अब मेरी डायरेक्शन हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं चारों जो कैरिज वे हैं, सर दो सर्विस रोड के, दो मेन कैरिज वे के, मेन एक्सप्रेस वे के सॉरी, ये कंप्लीट है। और यहाँ जो बीच में काम बचा है वो दिल्ली रोहतक वाली जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर वाला जो पार्ट था वहाँ काम अभी बचा हुआ है। उसमें हमने कुछ दिन पहले देखा था पिलर्स बनाए जा रहे थे, उसके बाद हमने देखा पिलर कैप बनाई जा रही थी। अब यहाँ देखेंगे हम कितना काम इसमें हो गया है, क्योंकि रेलवे लाइन के ऊपर इसके आयरन के गर्डर्स लगाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पिलर कैप जो ये वाला हिस्सा है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इससे नेक्स्ट में भी जो पिलर कैप है वो भी बनाई जा चुकी है। इससे आगे कुछ काम बचा हुआ दिखाई देता है, पिलर कैप का वो ज्यादा नहीं है। आयरन वाले गर्डर्स इसमें लगाए जाएंगे, उसकी वजह मैंने गूगल पे देखी थी, उसमें यही बताया कि इसमें एक तो मेंटेनेंस कम होती है, एक रिस्क कम होता है, मतलब कोई टूट फूट के कोई पार्ट नीचे गिर जाए रेलवे लाइन की साइड तो वो रिस्क नहीं लेते हैं लोग। यहाँ देखिए तो इस वाली अपडेट को देख के मुझे लगता है कि बहुत टाइम नहीं लेंगे इस हिस्से में भी, क्योंकि एक बार गर्डर्स लगने शुरू हो जाएंगे उसके बाद तो ये कंप्लीट बनता हुआ ही दिखाई देगा कुछ दिनों में। इनिशियल जो काम होता है उसी में टाइम लगता है। यहाँ देखिए सबसे राइट हैंड साइड पे देखिए कैरेज में, इसमें ये पिलर भी बाद में बना था, यहाँ गर्डर सब लगा दिए गए हैं, फ्लोरिंग का काम इसका होगा। और इससे जब हम आगे चलेंगे, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये काम डिले हुआ, हाई वोल्टेज की जो केबल्स थी जो आपको साथ में पोल दिखाई देगा ये हाई वोल्टेज वाला, इसको शिफ्ट करने में टाइम लगा, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा करनी थी तो वो जब यहाँ पे पोल चेंज हुए हाइट ज़्यादा हुई जब ये काम हुआ इसका। ये देखिए यहाँ भी पिलर कैप का काम हो चुका है, यहाँ देखिए जितना काम इनसे हो सकता था इस हाई टेंशन लाइन से पहले वो इन्होंने कंप्लीट किया दोनों साइड में ही, लेकिन अब जो बचा हुआ काम था वो भी काफी तेजी से किया जा रहा है। हम ये आ गए हैं रसूलपुर गांव के पास, यहाँ आके ये जो फ्लाईओवर है डाउन हो जाएगा या इस साइड से शुरू होगा। इससे आगे जो इसका रैंप वाला पार्ट है देखिए, उस पर सब ग्रेडिंग का काम शुरू हो गया है। इससे आगे का भी मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा, क्योंकि इससे आगे काफी अच्छा काम हो गया है, फ्लाईओवर जो है इससे आगे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की स्टेज में ही है। मेन कैरिजवे के आगे इन्होंने भी सब ग्रेडिंग का काम किया है, और यहाँ से आगे हम सीधे जब जाएंगे तो NH44 की साइड ये हाईवे में पहुंचा देगा। यहाँ से थोड़ा सा वापसी का भी व्यू देखते हैं, अगर अब मैंने वापस इसको टर्न ले लिया, अब अगर हम जा रहे हैं NH48 की साइड द्वारका की साइड, तो यहाँ से देखो चारों कैरिजवे के शुरुआत में यहाँ भी तैयार है, और जो पेंडिंग काम है अब यहाँ देख सकते हैं, जो गर्डर्स अभी नए सेट किए गए थे उसके ऊपर फ्लोरिंग का काम यहाँ शुरू हो गया है, स्लैब्स लगा के उसके बाद में इसमें लोहे का जाल बना दिया गया, कास्टिंग की जाएगी इसकी। पिलर कैप, एक पिलर का मुझे पेंडिंग दिखाई दे रहा है इसमें, मतलब ये अभी जो मेन फोकस करने का एरिया है वो यही है, एक ये वाला फ्लाईओवर और एक मंगेशपुर ड्रेन के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा है, क्योंकि मेन काम इससे बचा है। और ये जून जुलाई तक शुरू हो पाएगा या नहीं ये इन्हीं पे डिपेंड करता है। अब इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नए अपडेट में। ओके भाई लोगों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ये बताना, इंसेंटिव में इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने कमेंट्स में सजेशंस देते रहना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।